जी तो दोस्तों, भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान साहब, उन्होंने हाल ही में इंडिया के अंदर एक कॉन्क्लेव में ये कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट के पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक टर्मोइल है, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, दे आर लिविंग बाय, जिसे वो कहते हैं ना, हैंड टू माउथ हैं, सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है इज़ अ थ्रेट फॉर इंडिया, इज़ अ थ्रेट फॉर इंडिया, दिस इज़ वॉट ही सेड। और उन्होंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर ज़रूर चैलेंजेस हैं, लेकिन दे आर रीजनेबली वेल सिक्योर्ड। सो दिस इज़ वॉट ही सेड रिसेंटली। और अब आता ही क्वेश्चन ये है कि ये जो इकोनॉमिक टर्मोइल है, ऑब्वियसली इसने पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा डेंट किया है कि घर घर में पाकिस्तान की बातें होना शुरू हो गई हैं। और जनरल अनिल चौहान जो हैं, ही इज़ अ वेरी डेकोरेटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, और इन्होंने जब फॉर्मर CDS जब उनका जहाज़ जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था अनिल चौहान साहब को। ही वॉज रिटायर्ड, जब ये इनको अपॉइंट किया गया तो वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज अलाउ दैट के नाउ ही इज़ अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स। और उन्होंने 40 साल तक ऑलरेडी फौज को सर्व किया हुआ था। बहरहाल ये जो उनकी असेसमेंट है, ऑब्वियसली मैनी इन इंडिया दे डू अंडरस्टैंड, जब पाकिस्तान के बारे में बात आती है कि पाकिस्तान की इस वक्त क्या कंडीशन है, इकोनॉमिकली बड़े कमज़ोर हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन हाल ही में रिसेंटली एक पाकिस्तान की फ़ौज और इंडियन फ़ौज के दरमियान एक कंपैरिजन किया गया। एक अदारा था जिसने ये कंपैरिजन करने की कोशिश की, ऑब्वियसली 100% तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है। उन्होंने ये कंपैरिजन करने की कोशिश की, इंडिया का 2023-24 का जो बजट है दैट इज़ 13% ऑफ इट्स बजट, जो उन्होंने तकरीबन $73 बिलियन के करीब, $74 बिलियन के करीब जो उन्होंने लगाया फ़ौज के ऊपर। पाकिस्तान प्रेफरेबली अबाउट $6-7 बिलियन जो है वो अपनी डिफेंस के ऊपर लगाता है, और इंडिया की जो फ़ौज है दैट इज़ द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, एज़ जो कि वो कहते हैं, जिसमें US, रशिया और चाइना जो है वो आगे हैं। बाकी दिस इज़ एज़ पर द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, एक ऐसा डाटा है जो कि डिफरेंट जगहों से डाटा कलेक्ट करता है, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, एंड देन जिसे वो कहते हैं ना कि देन वो शेयर करता है, और डिफरेंट फैक्टर्स से ये डाटा लेते हैं। सो जब आपने किसी पावर को मेजर करना हो तो व्हाट डू यू गेट इन बेसिकली, फॉर इंस्टेंस यू टॉक अबाउट कंट्रीज GDP कि वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है उस मुल्क के अंदर, और वो उसकी क्या प्रोजेक्शन क्या है, कितना ऊपर जा रही है, कितना नीचे आ रही है, सो दैट डेफिनेटली टेल्स यू टू मेजर पावर। देन आपकी जो पॉपुलेशन है, आबादी जो है, दैट्स अ बेसिक इंडिकेटर टू मेजर कि आप किधर खड़े हुए हैं, कितने मैन पावर आपको अवेलेबल है, कितने वल्नरेबल हैं विद द पॉपुलेशन इन केस अगर इफ़ यू आर अनएबल टू फीड दैट, देयर सो मेनी थिंग्स। देन आपकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, हार्ड कोर, आपका जो वेपन्स हैं उनको, एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परचेजिंग पावर, क्या आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, जिसे PPPP बोलते हैं, और जिससे डिटर्मन किया जाता है कि इस मुल्क की जो जिसे कहते हैं ना फाइटिंग पोटेंशियल क्या होने वाली है इन केस देर इज़ अ फुल ब्लोन कन्वेंशनल वॉर। सो ये चीज़ें जो हैं, ये फैक्टर्स जिसे वो कहते हैं ना किए जाते हैं। इंडिया ऑब्वियसली इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, अब तो मेरा ख्याल है क्रॉस कर चुका हुआ है चाइना को, एंड और देखें इंडिया के पास जो जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी तादाद में लोग अवेलेबल हैं लड़ने के लिए, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है उनके लिए, सो उनके पास बजट बहुत ज़्यादा है। आप देखिए इंडिया के पास तकरीबन 800,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, ठीक है जी, आप देखिए ना तकरीबन 14,00,000 की फ़ौज है, लेकिन 800,000 जो है वो एक्टिव मिलिट्री के लोग हैं। पाकिस्तान के पास कुछ 6,50,000 एक्टिव पर्सनल है,
ठीक है जी। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल, इंडिया इज़ फार मोर कैपेबल दैन द पाकिस्तानी मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ पैसे देख लें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें, इन टर्म्स ऑफ आप उनका जो मिलिट्री का बजट देख लें, इन एवरी सेंस इंडिया हैज़ मोर मनी, इंडिया हैज़ मोर रिसोर्सेज, इंडिया हैज़ मोर कनेक्शंस, इंडिया कैन बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम यूरोप, यूएसए, इज़राइल, एनीवन। इंडिया जिस मुल्क से भी आज के हमने असला ख़रीदना है तो इंडिया ने सुबह उठना है, चेक साइन करना है एंड जाके उनको कहना है जी हमें ये दे दे, एंड दे विल गेट दैट। सो दे पुट द मनी ऑन द टेबल एंड दे गेट दिस, देयर जिसे कहते हैं ना कि वो अपने टॉयज़ ले आते हैं वहाँ पर, मिलिट्री टॉयज़। सो दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज इन दैट। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह ये है, आप देखें ना, कहा जाता है कि इंडिया के पास कोई 2200-2300 के करीब एयरक्राफ्ट हैं, दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंडिया के पास एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास अराउंड 1400 से ज़्यादा थोड़ा सा एयरक्राफ्ट है। सो जो ये जो आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है जी। इंडिया के पास मेरा ख्याल है कुछ 600 के करीब जो हैं वो फाइटर जेट्स हैं, 31 स्क्वाडन्स हैं, इस तरह की तादाद जो है वो इंडिया की हमारे सामने आती है। पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट्स हैं, ज़्यादा चाइनीज़, फ्रेंच एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं। अब वो फ्रेंच भी पुराने होते जा रहे हैं, अमेरिकन भी पुराने होते जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ चाइना रह गया। लेकिन इंडिया, इंडिया के पास रशियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, फ्रेंच भी हैं, रशियन भी हैं, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा कि अमेरिकन कौन से हैं इंडिया के पास, लेकिन दे डू हैव ये जो अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स हैं उनके पास ज़रूर मौजूद हैं। किस कैपेसिटी में है मुझे, आई विल हैव टू रिसर्च मोर ऑन दैट, बट लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं वो हैं, और इसीलिए ये एक चीज़ है। लेकिन ओवरऑल आप इन एनी वे जिसे वो कहते हैं ना कि पुराने दौर में तो आप इस्तेमाल कर सकते, हाथियों का इस्तेमाल कर सकते थे, वही उस वक्त टैंक होते थे फ़ौज के, ठीक है, वही लोगों को, इंसानों को बताते थे किस तरफ जाना है, क्या करना है, ठीक है जी। और एक प्रॉपर टर्म होती थी वॉर एलिफेंट्स, ठीक है जी। फिर उसकी जगह मशीनें आ गई। अगर आप माजी में हिस्ट्री चले जाएँ, पुरानी फील्ड में देखें, तो हमें पता चलता है कि वॉर एलिफेंट्स प्रॉपरली हुआ करते थे, ठीक है जी। अब इंडिया के पास देखें टैंक्स आ गए, टैंक जो हैं इंडिया के पास बहुत बड़ी तादाद में हैं। कहा जाता है कि 4600 के करीब इंडिया के पास टैंक्स हैं। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पास जो है अराउंड 3700 के करीब टैंक हैं, ठीक है जी। इंडिया के पास आर्मर्ड व्हीकल जो है वो को 1500000 के करीब हैं। सो इस आर्मर्ड व्हीकल्स जो है वो तकरीबन 3 लाख, 3 गुना ज़्यादा, नॉट 1500000, 1.5 लाख के करीब, सॉरी 1400000 का फौज है, आर्मर्ड व्हीकल कैसे 1500000 हो सकती है। सो 1.5 लाख के करीब इंडिया के पास आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, विच आर 3 times मोर देन पाकिस्तान। सो इट मीन्स पाकिस्तान के पास जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं दे आर जस्ट 50,000। सो इंडियन मिलिट्री जो है दैट ऑपरेट्स फार 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 मोर इन इस कैपेसिटी में जो है वो काम कर रही होती है। उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तगड़े रिसोर्सेज हैं, और आज से नहीं है, शुरू से हैं। ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं कि जी ये चीज़ें हैं। लेकिन ऑल द टाइम आप याद रखें, देखें जब आपकी जो मिलिट्री प्रिपेयरनेस होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहा जाता है कि एक सनजू, एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं चाइनीज़ में, उनकी एक बड़ी क्लासिक बुक है आर्ट ऑफ वॉर, ये पढ़ने वाली बुक है, मैंने पढ़ी हुई है। जब मैं आई यूज़ टू गिव माय स्टूडेंट्स टू डू अ बुक रिव्यू ऑन दैट, सो इसके बुक रिव्यू मैंने बड़े किए हुए हैं, करवाए हुए हैं, बिकॉज मैं समझता था कि दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट बुक इन दैट सेंस। और देखें, इफ़ यू आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड, यू आर एबल इनाफ, एंड इफ यू आर वेटिंग द एडवर्सरी इन द बैटल फील्ड, ठीक है जी, तो आप ये समझ लें कि आप, यू आर ऑलरेडी डन। बट आपको मैं एक छोटी सी केस स्टडी देता हूँ इसका, एंड देन हाउ इंडिया के बेसिकली फौज ने थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया। बैक इन 2001-2 जब इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो द इंडियन फौज ने, एस टाइम वाजपेयी साहब होते थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फैसला किया जी हम भारत पाकिस्तान के साथ थोड़ी एस्केलेशन बढ़ा देंगे।
सो इंडिया की जो मैंने पढ़ा था कि जो स्ट्राइक कोर्स हैं वो थोड़ी पीछे थी, दे कम फ्रॉम दिल्ली और इधर दिल्ली और इसके इर्द गिर्द जो स्ट्राइक कोर्स है जिन्होंने अटैक करना होता है. तो व्हेन दे डिसाइडेड कि वी आर गोइंग ऑन अ पाकिस्तानी बॉर्डर, सो दी पाकिस्तानी फौजें जो हैं वो अगले 24 घंटे में पहुंच गए. एंड इंडियन फौज को फिर लगे आई थिंक 10-15 दिन लग गए वो मूव करना, मोबिलाइज करना, इतना टाइम लग गया था. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द मिलिट्री दे कैन स्टडी दिस व्हाट आई एम सेइंग. सो उनको थोड़ा टाइम लगा और उन्होंने ये कहा कि जनाब हम ये चीज़ करना चाहते हैं. और उन्होंने जब वो आए पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ और पाकिस्तान की फ़ौज है जो वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी हुई थी और फौज वहाँ पे पहुँची तो इट वाज सॉर्ट ऑफ एक आपके ऊपर होता है. अब हमारी डेप्थ बहुत कम है, हमारी स्ट्राइक कोर अगर लेट्स से मुल्तान में है, गुजरांवाला में है, तो ये तो 2 मिनट में पहुँच जाएंगी, 2 मिनट में 24 घंटे में पहुँच जाएंगे. सो इंडिया ने उस वक्त फिर एक कॉन्सेप्ट ले किया है कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन कि इन केस इंडिया जो है वो अगर पाकिस्तान ने, फिर इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट लेके कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन विच इंडिया नॉर्मली सेड कि ये ऑपरेशनलाइज नहीं है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों को ख्याल किया कि ऑपरेशनलाइज है. इंडिया ने ये फैसला किया कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा इस तरह का कोई हमला करवाया, बिकॉज वो कहते हैं कि जी ये जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था जो मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें हैं हाफिज सईद जैश मोहम्मद वगैरह इन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे. उन्होंने कहा बिकॉज स्ट्राइक कोर्स को टाइम लगता है बॉर्डर पे आने से, फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो डिफेंसिव फोर्सेज हैं बॉर्डर के ऊपर उनको ही हम अपनी स्ट्राइक कोर में कन्वर्ट कर देंगे और उनके, फिर उन्होंने कहा जी हम इनके बनाते हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, IBGs उसका नाम दिया उन्होंने, कि हम IBGs बनाते हैं, यही 20,000 के ग्रुप बनेंगे IBGs एंड दे विल अटैक पाकिस्तान इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दे विल नॉट क्रॉस द न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड and then at the end of the day they will capture a portion of Pakistani territory from some place and then we will be and it will be a matter of 72 to 96 hours before the international community intervenes we will capture a part or we will have a part of Pakistani territory for negotiations and then but we will do all that under the nuclear overhang we will not let Pakistan to operationalize or materialize पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको हम ऑपरेशनलाइज नहीं होने देंगे. सो दिस इज व्हाट बेसिकली दे द थॉट बिकॉज एंड देन ये एक इंडिया की फौज का एक माइंडसेट था जो इन टर्म्स ऑफ IBGs ऑपरेशनलाइज हैं या नहीं है आई एम नॉट प्रीवी टू द मोमेंट, लेकिन दैट वाज अ प्लान. देन पाकिस्तान ने अब इंडिया को क्या पता कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, बट पाकिस्तान के एक हुआ करते थे हमारी जो आर्म्स जो नेशनल कमांड अथॉरिटी के एक सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे जनरल कदवाही, वंस ही गेव एन इंटरव्यू टू आई थिंक टू द इटालियन न्यूज़पेपर एंड उन्होंने पूछा कि आपकी क्या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द ओनली सोर्स ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, पुरानी बात है. उन्होंने कहा कि इन केस इंडिया कैप्चर्स साइजेबल पोर्शन ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी, इन केस इंडिया किल्स साइजेबल पोर्शन ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन, इन केस इंडिया किल्स दी पाकिस्तानी फौज के कुछ बड़े जवानों को बड़े मारती है बड़ी तादाद में एंड वी फील के वी आर इन देन इंडिया पाकिस्तान को पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डिफीट जो है वो डिस्टेबलाइज करता है. आई थिंक कुछ 4-5 पॉइंट उन्होंने बताया. उन्होंने कहा इफ दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो इमर्जेस देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू गो फॉर अ न्यूक्लियर वेपन्स, हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान की इस हवाले से जो पोजीशन है वो ये है कि हम न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे, सेकेंड स्ट्राइक नहीं फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे इन केस हमें. सो दैट इज बेसिकली पाकिस्तान कहता है कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल इसलिए करेंगे बिकॉज कि हम कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं रखते इंडिया के मुकाबले में. इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके बहुत ज़्यादा ग्लोबल कनेक्शंस हैं, उनके पास एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है, दोस्तियां हैं उनकी, हमारे पास तो वो सिचुएशन नहीं है. सो वी जस्ट कैन नॉट वेट फॉर द मोमेंट, सो वी विल हैव टू गो फॉर अ न्यूक्लियर. सो जब इंडिया ने ये किया तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं वो तो न्यूक्लियर वेपन्स बड़े स्केल पे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बट इन केस इंडिया डज दैट, सो आई थिंक फिर पाकिस्तान ने एक मिसाइल था नसर के नाम से,
वो पाकिस्तान ने बनाया, उसकी को 60-70 किलोमीटर रेंज थी, बट दैट वाज कंसीडर्ड एज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, ठीक है जी, जिसमें शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन है कि जिसमें वो थोड़े एरिए के ऊपर नुकसान करेगा, बट इट विल बी अ न्यूक्लियर, ठीक है जी। ये चीज़ जो है उन्होंने की, पाकिस्तान ने की, ताकि इंडिया को मज़ीद रोका जा सके। सो पाकिस्तान कहता है कि हम वी कांट कम्पीट विद इंडिया, सो वी वांट दैट इन एवरी कैपेसिटी हम जंग को रोक सकें। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान्स माइंडसेट इज़। सो दैट इज़ व्हाई फ्रॉम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स टू द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, दिस इज़ व्हाट दे डू से एंड टॉक एंड ये एक चीज़ जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर आप देखें अब इंडिया के पास फॉर इंस्टेंस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, भाई इंडिया के पास तो बहुत दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं, वी डोंट हैव एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है। इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ तो इन मैनी वेज पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है भाई, ज्योग्राफी देख ले, उनकी इंडिया की कोस्टल पावर देख लें, ठीक है जी। हमारी 1000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, उनकी 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, बिकॉज उनका वो सारे का सारा सॉर्ट ऑफ अ पेनिनसुला। सो क्वेश्चन ये यहाँ पे आता है कि हमें वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट विद इंडिया नोइंग कि हमारा उस कंपैरिजन नहीं है। वो पर एक लफ्ज़ बोलते हैं वो तुर्क का पत्ता है, उसे बोलते हैं ना कि मतलब द डिसिसिव फोर्स, एक ऐसी चीज़ जो फैसला कर जाएगी वो न्यूक्लियर वेपन्स है। एम दैट इज़ वाई वो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं जी कि इंडिया कहते हैं जी ज़रा सी बात हो तो पाकिस्तान कहते हैं हम न्यूक्लियर चला देंगे, ज़रा सी बात होगी तो पाकिस्तान हम कहते हैं न्यूक्लियर, बट यू विल हैव टू एडमिट दैट वट प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड बैक इन 2019 वट वॉज वेरी एग्रेसिव मूव, बड़ी एग्रेसिव मूव थी, ठीक है। एंड और जस्ट रियली वॉन्टेड टू चेक कि पाकिस्तान क्या करता है। सो आई थिंक पाकिस्तान एक दो वो जो एक दो मूव इंडिया ने किया उस वक्त तो पाकिस्तान की पोजीशन शायद और थी, लेकिन आई थिंक नाउ पाकिस्तान मे बी डिसाइडिंग समथिंग एल्स, बिकॉज नाउ आप पैटर्न आपको पता चल गया कि इन केस इंडिया वांट्स टू हैव अ सुपरियोरिटी इन अ लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट इन एयर पावर में या इसी चीज़ में डॉग फाइट ये वो चीज़ होती है आइंदा मुस्तकबिल में, तो वो चीज़ जो है वो उसमें इंडिया एक एज ना ले सके। सो पाकिस्तान शेल डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी इन केस आइदर टू स्टॉप इट और टू डू समथिंग दैट इफ इंडिया डज इट अगेन दैन इट शुड नॉट डू इट द थर्ड टाइम। मतलब दिस इज वॉट इन मेरी अंडरस्टैंडिंग में एक पाकिस्तान का माइंड सेट जरूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स, स्ट्रॉन्ग नेवी, वो उनके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, वो जिसका उनका जिधर जिधर दिल करता है वो अपनी मर्जी करते हैं, और पीछे स्ट्रॉन्ग अवाम है वो फौज के पीछे, एंड देन पोलिटिकल पार्टी मेजर बीजेपी वो उनके पीछे खड़ी हुई है, तगड़ी फोर्स है उनके पीछे, एंड दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट, बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं इस वक्त। बट ये जो अनिल चौहान साहब ने जो बात की है, ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बात है ये, इसके इट मींस के इससे ये पता चलता है कि माइंडसेट क्या है, क्या सोच रही है इंडियन फौज, जिससे वो सो ये चीज़ें जो है ना ये हमारे सामने हैं कि उनकी फ़ौज क्या सोच रही है। एक होता है कि व्हाट यू टॉक इन पब्लिक, एक होता है व्हाट यू नो इन रियलिटी। हमारे लोग भी बड़ी जिंगोइज्म करते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे फलां, बट जिन लोगों ने लड़ना होता है ऑन ग्राउंड के ऊपर उनसे आप जाके पूछें, जैसे कहते हैं कड़े पावेक दीप, ये नहीं कि तुसी जनाब के खींच देंगे, चुक देंगे, फट देंगे, जो हमारा स्टाइल होता है एक इस साउथ एशिया के अंदर, बट ऑन ग्राउंड आपको जाकर पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।